हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम करेंगे क्लास सेवन्थ हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम आपका था दिल्ली सुल्तान्स, कि दिल्ली पे कौन कौन से सुल्तान, कौन कौन से राजा जो सुल्तान थे, किन किन राजा महाराजाओं ने दिल्ली पर राज किया। ठीक है, इसमें आपकी जो है दिल्ली दो सल्तनत, देखो दिल्ली क्या था, दिल्ली एक मेन ट्रेडिंग सेंटर माना जाता था। अगर किसी का भी दिल्ली पर राज होता था तो समझो कि उसका संपूर्ण साम्राज्य पर उनका अधिकार रहता था। ठीक है, इसकी आपकी टोटल 5 डेंसिटी थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से राजा महाराजा थे, किस किस ने इन पर राज किया। ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ राजपूत डेंसिटी। जो सबसे पहले डेंसिटी आई थी राजपूत आई थी, इसमें अलग अलग वंश आए थे आपके, तोमाराज, अंगलपाला चौहान, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तोमाराज आपके 1165 में, पाला आपके 1145 तक, चोलाज 1992 तक, और पृथ्वीराज चौहान आपके 1175 से 1192 तक। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप सभी को इतना पता ही होगा, जैसे कि त्रावड़ी का नाम पुराना त्राइन है, ये त्रावड़ी का किला है जो पृथ्वीराज चौहान का ये किला था। यहाँ पर त्रावड़ी में 2 लड़ाइयाँ हुई हैं, जो फर्स्ट वॉर हुई है, जो आपकी लड़ाई हुई है वो 1191 में हुई थी, देन लास्ट इज 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। ठीक है, उसके बाद अर्ली तुर्किस आए थे आपके, अर्ली तुर्किस रूलर। इसमें मेन सबसे बात जो तुर्किस के जो मेन था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक आया 1206 से लेकर 1210 तक। ठीक है, जो आपके तुर्की रूलर हैं ये 1287 तक रहे थे आपके। ठीक है, जो इसका लास्ट था वो बलबन था, तुर्किस का जो लास्ट साम्राज्य था वो, मतलब जो लास्ट आधिपत्य था वो बलबन था। उसके बाद आपकी खिलजी डायनेस्टी आई। ठीक है, दो हुआ, उसके बाद खिलजी आया आपका 1996 तक रहा, जलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप सभी को बताई होगा। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आई, तुगलक में आया आपका मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, ये आपकी डायनेस्टी आई। उसके बाद आई आपकी सयाजी डायनेस्टी, ये 1121 तक रही। उसके बाद तोमाराज आए थे आपके। ठीक है, ये आपकी 5 डायनेस्टी थी जो आपकी उस टाइम दिल्ली सल्तनत में आई थी, जो जिन्होंने दिल्ली डायनेस्टी दिल्ली पर राज किया था आपका। ठीक है, ये थी आपकी डायनेस्टीज। उसके बाद हम देखते हैं कि उत्तर और तारीख, एक तारीख थी बेटा, एक तारीख बुक का नाम था आपका, वो क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। तारीख बेटा एक बुक का नाम था आपका, जो बुक लिखी गई थी वो इन सल्तनत के लोगों के द्वारा लिखी गई थी। तारीख एक बुक का नाम था। उसके बाद आपके आते हैं कुछ ये पॉइंट, स्लीवेज एंड क्लाइंट्स एज गवर्नर, इक्त और इक्तेदार। ये पहले प्रथा मैंने आपको बताई थी, इक्त और इक्तेदार। इक्त प्रथा क्या थी बेटा, कि कुछ किसान जो छोटे किसान थे वो कुछ जमींदार थे, और इक्तेदार जो जमींदारों के ऊपर भी जमींदार होते थे उनको इक्तेदार बोलते थे। ठीक है, उनके पास बहुत बड़ी जमीन का बहुत बड़ा भाग होता था तो वे इक्तेदार बोलते थे। और उसी टाइम सामंत प्रथा थी। सामंत प्रथा क्या थी मैंने पहले बताया है, सामंत प्रथा वो थी जिसमें कि क्या करते थे कि सामंतों के अधीन बहुत सारी जमीनें होती थी, और सामंत थे जो वो राजा महाराजाओं की सेवा करते थे, यानी उनको सैनिक शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, जो भी इनको शक्तियाँ देनी होती थी, मन उनको कोई भी प्रोटेक्शन के लिए कोई भी चीज़ देनी होती तो सामंत देते थे, और सामंत उनके बदले में राजा महाराजाओं से अपनी ज़मीनें लिया करते थे। ठीक है, और उस पर ही वो पर क्या कहते सामंत, राजा महाराजा इतना काम नहीं करते थे लैंड पर, तो जो सामंत थे वही लैंड रिवेन्यू लेते थे, और लैंड रिवेन्यू के तौर पर 1/4 पार्ट या 1/3 पार्ट लैंड रिवेन्यू के तौर पर लिया करते थे। ठीक है, उसके बाद टू साइज एक्सपेंशन क्या बेटा वो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें आपका आता है कि सुल्तान टुक प्लेस टू, उन्होंने 2 स्टेप लिए थे सुल्तान ने आपके, कौन कौन से प्ले लेते था, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 क्या था, द फर्स्ट स्टेज ऑफ चैंपियन वाज एम्ड एट कंसोलिडिंग द हिंटरलैंडिंग ऑफ द करंट टाउन फॉरेस्ट। देखो सबसे पहले क्या किया था उन्होंने, स्टेज 1 में उन्होंने क्या करा, पीजेंट एंड किसानों को कहा था कि आप अपनी ज़मीन पर चरवाहे कर सकते हो, आप अपनी ज़मीन पर पशु वगैरह को जिनको घुमाना है आप जैसे चरवाहे करना है वो कर सकते हो। और स्टेज 2 में क्या क्या था, स्टेज 2 में उन्होंने अपनी टेरिटरी शुरू कर दी थी। देखो ये इनकी टेरिटरीज वगैरह हैं, कैंपेन्स हैं, उन्होंने अपनी टेरिटरी कहाँ कहाँ तक एक्सपेंड की थी, ये उन्होंने स्टेज 2 में किया था। ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का मैप है। ठीक है, उस टाइम ऐसे ऐसे हुआ करता था आपका। ओके, देन आपका आता है कि इक्त और इक्तेदार, मैंने बता दिया था इक्त और इक्तेदार क्या था, द खिलजी एंड द तुगलक मोनार्की अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर, उन्होंने मिलिट्री कमांडर
अपॉइंट किए थे गवर्नर एज अ टेरिटरी, और जो इन लैंड को क्या कहते हैं इक्त, और जो इन लैंड को होल्ड करता था मतलब कि जमींदार एक तरह से, उनको इक्तेदार या मुक्तिपर्ता कहते थे, ठीक है। ये उनके अंडर थी आपकी सारी दिल्ली सल्तनत में, ये थे आपके। उसके बाद सुल्तान इन द 15 और 16 सेंचुरी में कौन कौन से सुल्तान आए, क्या थे क्या नहीं थे। इन दिस पेड बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द एंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंस रूलर हु एस्टेब्लिश फ्लोरिंग स्टेट ऑफ कैपिटल्स न्यू रूलिंग ग्रुप्स लाइक अफगान। उसके बाद अफगान आए आपके, अफगान एंड राजपूत आल्सो एमर्ज। अफगान और राजपूत थे वो धीरे धीरे आपके एमर्ज होने शुरू हो गए थे, और उस टाइम सबसे ज़्यादा मेन पावरफुल जो अफगान का रूलर था सबसे ज़्यादा वो था शेरशाह सूरी के बारे में आप सभी को पता है। जैसे इन्होंने क्या किया, ग्रांड ट्रक रोड यानी GT रोड NH1 शेरशाह सूरी के नाम से ही है, इन्होंने ही बनाया था इसको। शेरशाह सूरी मार्ग भी बोला जाता है ग्रांड ट्रक रोड, जैसे GT रोड है हमारा जो पानीपत से लेकर इधर अम्बाला चंडीगढ़ तक है, उसको आपका ग्रांड ट्रक रोड है, उसको GT रोड बोलते हैं, ठीक है। ये शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था, और शेरशाह सूरी ने क्या किया था, हर एक 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर बाद एक यात्रियों को बैठने के लिए कोई स्थान भी बनाया गया था, ठीक है। तो इन्होंने अपना शेरशाह सूरी ने किया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया, उन्होंने भी अपने धीरे धीरे अपनी डायनेस्टी को एक्सटेंड करना शुरू कर दिया। तो आपके बेटा ये राजा महाराजा आए थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज किया, ठीक है। तो महाराज आए थे, तुगलक आए थे, राजपूत आए थे, सभी ने अपना अपना अलग अलग से उन पर अधिकार आधिपत्य स्थापित किया, और दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे चेंज होती रही, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर आज, क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 3rd, ठीक है बेटा। इसमें आपने क्या क्या करना है, रूलर ऑफ दिल्लीज स्लीवेज एंड क्लाइंट एज गवर्नर, और एक्सटेंशन क्या क्या थी, मुगल इन्विटेशन कौन से थे, ये सब कुछ की कौन कौन से मुगलों ने क्या क्या किया, ठीक है। जैसे कुछ जो राजा महाराजा रहते थे वो अपने सिक्के चलाते थे, देखो ये कुछ सिक्के के कुछ साइंस हैं, मतलब ये क्या कुछ लैंग्वेज लिखी हुई है, बट ये उस टाइम गवर्नमेंट जो राजा होता था उसकी मोहर हुआ करती थी, ठीक है। अलग अलग राजपूत जैसे अलग अलग डायनेस्टी आई, अलग अलग लोग आए, अलग अलग राजा महाराजा आए, तो उन्होंने अपने हिसाब से ही डायनेस्टी को बनाया और अपने आप से उस डायनेस्टी पर रूल किया, ठीक है बेटा। ये था आपका चैप्टर 3rd हिस्ट्री का, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।